हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सैटरडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम सोलमेट करेंट एनर्जी चेक इन। तो मैं आपके काउंटर पार्ट, आपके डीएम की करेंट एनर्जी चेक करूँगी, डिवाइन मैस्कुलिन्स की करेंट एनर्जी चेक करूँगी। तो इन तीनों डेक्स को मैं यूज़ करूँगी वन बाई वन, देखेंगे क्या एनर्जीज चल रही हैं कलेक्टिव लेवल पर आपके डीएम की। सो जिन भी लोगों को लगता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हैं या हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स से डील कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली डेडिकेटेड है ये रीडिंग जो कि एवरी सैटरडे मैं लेकर आती हूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी या हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स से जो डील कर रहे हैं, उनके काउंटर पार्ट्स की करेंट एनर्जी क्या चल रहा है, उनकी एनर्जीज में इस वक्त कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज हैं आपके काउंटर पार्ट की, डीएम की करेंट एनर्जी क्या चल रही है। फर्स्ट कार्ड है सोलमेट्स, देन वी हैव द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स, देन वी हैव यिन एंड यांग एंड इंटिमेसी। ओके, बॉटम से वी हैव द गार्डन एंड मैनिफेस्टेशन। क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। यिन एंड यांग एंड सोलमेट्स दोनों एनर्जी निकल कर आई है। क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप दोनों के लाइफ में बैलेंस क्रिएट हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। आपको भी बैलेंस किया गया है और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी अब बैलेंस हो रहे हैं। कुछ लोगों के काउंटर पार्ट अभी भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं किसी सिचुएशन में या कार्मिक सिचुएशन से अभी पूरी तरह से निकल नहीं पाए हैं। अभी भी उनके लाइफ में कुछ ना कुछ कार्मा बैगेजेस हैं जिससे वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। उन्हें आपसे रिलेटेड जानकारी ज़रूर मिल रही है, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है सोलमेट्स की एनर्जी है। तो उन्हें आपके से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ डिवाइन गाइडेंस उनको मिल रही है। इस कनेक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिवाइन गाइडेंस उनको लगातार मिल रही है। सोलमेट कनेक्शन में है या आपके साथ एक डिफरेंट टाइप का बॉन्ड है, भले उन्हें ट्विन फ्लेम ना पता हो या अगर आपने कभी बात बात में शेयर किया है, तो डेफ़िनेटली वो उन चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं, उन चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि जब भी वो अकेले होते हैं या फ्री होते हैं, वो डेफ़िनेटली इन सब सिचुएशंस के बारे में पढ़ते हैं या फिर सोचते हैं या फिर अपने पास्ट में जाकर देखते हैं कि आपके साथ उनका जो भी बॉन्ड रहा है जितने भी साल का कैसा रहा है और क्यों नहीं वो आपको भूल पाते हैं। हमेशा चाहे जितने भी आपसे डिस्टेंस में रहें वो आपको मिस करते रहते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही हैं कि इस वक्त भी आपके काउंटर पार्ट आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, मेमोरीज़ की एनर्जी है, आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड करा है उन मेमोरीज़ में जी रहे हैं। बैलेंस की एनर्जी है इनके लाइफ में। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इनका फेमिनिन साइड और मैस्कुलिन साइड बैलेंस हो रहा है धीरे धीरे। अगर पहले बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन पोलैरिटी रखते थे तो अब इनका फेमिनिन साइड भी बैलेंस होगा। अगर बहुत ज़्यादा फेमिनिन पोलैरिटी रखते थे तो अब मैस्कुलिन साइड भी बैलेंस होगा। मतलब ओवर एंड ऑल यहाँ पर बैलेंसिंग की एनर्जी नज़र आ रही है। टैरो से देखते हैं क्या गाइडेंस है कलेक्टिव लेवल पे, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त, डीएम की करेंट एनर्जी। एंजल्स बहुत सारे कार्ड्स हैं, डीएम की करेंट एनर्जी, जजमेंट, द स्टार, द सन एंड द टावर, चारों के चारों मेजर अरकाना आए हैं यहाँ पर। जजमेंट की एनर्जी है, डिसीजन मेकिंग एनर्जी है, कुछ ना कुछ भगवान का जजमेंट या डिवाइन इंटरवेंशन इस वक्त हो रहा है इनकी लाइफ में। इसीलिए डिस्टॉर्टेड एनर्जी में जो हैं उनके लाइफ में इस वक्त अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है। सरेंडर की एनर्जी है, द स्टार की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हैं, अपनी फैमिली, अपने करियर, अपने जो भी सिचुएशंस में स्टक हैं या किसी लीगल सिचुएशन में स्टक हैं उन सब सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर टावर की एनर्जी है, कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन इस वक्त इनके लाइफ में हो रहा है और स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं। ये भी चीज़ें यहाँ पे द स्टार का कार्ड बता रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी आ रही है इनके लाइफ में, एंड एस ऑफ कप्स, यहाँ पर
न्यू बिगनिंग की एनर्जी है. बॉटम से है वी हैव हाई प्रीस्टेस एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स. क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के डिवाइन काउंटर पार्ट इंट्यूटिव हो रहे हैं, टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं. हो सकता है आपको ड्रीम्स आ रहे हों, इनसे रिलेटेड ड्रीम्स आ रहे हों, ये खुद आपके ड्रीम में आ रहे हों या आ रही हों, या फिर इनका नाम आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो या आपका नाम इन्हें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो. इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है. विविड ड्रीम्स आ रहे हैं या इनको यूनिवर्स की तरफ से या स्पिरिट एनिमल्स की तरफ से कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर दी जा रही है. यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि अगर आप में से कुछ लोगों के डिवाइन काउंटर पार्ट अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो उनके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, एक के बाद एक कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट, या तो कोई लीगल सिचुएशन, या तो फैमिली से रिलेटेड कोई इशूज़, या फिर करियर से रिलेटेड कोई इशूज़. बट यहाँ पर प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं कलेक्टिव लेवल पे. देख रहे हैं चक्रा की एनर्जी क्या है इस वक्त, आपके डीएम की चक्रा की एनर्जी क्या है. इनलाइटमेंट, देन वी हैव गॉसिप, एक्सपेंशन, फॉरगिवनेस, कॉम्प्लिकेंसी एंड मिस्टिसिज्म. बॉटम से वी हैव परफेक्शन, हर काम को परफेक्ट करना चाह रहे हैं. यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके साथ रिलेशनशिप हो, चाहे अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, ये हर काम में वैसे भी परफेक्ट होते हैं. डीएम की एनर्जी ये बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत परफेक्ट होते हैं, लेकिन हमेशा आपको सेक्रीफाइस करते आए हैं. लेकिन अब यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं कि इन्होंने अगर आपके साथ कोई गलत काम किया है, आपको हर्ट किया है, आपको तकलीफ़ दी है, ब्रेकअप की सिचुएशन में लाए हैं, तो ये उन सब सिचुएशन से अब बाहर आने वाले हैं. आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं. जैसे कि डीएम की एनर्जी बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होती है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न होते हैं, जल्दी झुकते नहीं हैं, पावर में रहना पसंद होता है इन्हें, चाहे मेल हो या फीमेल हो. बट यहाँ पर इनका थ्रोट चक्रा एक्सपैंड हो रहा है, तो ये आपसे बात भी करेंगे, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, अपॉलोजी भी करेंगे, इवन ये आपसे लाइफ में फर्स्ट टाइम सॉरी भी बोल सकते हैं. ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे अपनी गलतियों के लिए. साथ ही यहाँ पे मिस्टिसिज्म की एनर्जी है, मतलब इनके लाइफ में कुछ ना कुछ इन्हें अवेयर गाइडेंस ज़रूर दी जा रही है एंजल्स की तरफ से. विविड ड्रीम्स आ रहे होंगे, जब ये ड्रीम्स को सर्च कर रहे होंगे कि ये ड्रीम क्यों आ रहे हैं, या पूरी पूरी रात इनको नींद क्यों नहीं आ रही है, या इनके दिमाग से आप क्यों नहीं जा रहे हो, या इनके सामने कोई ऐसी वीडियोस या ऐसे कोट्स या ऐसी शायरी इनके सामने आ जा रही है जिसके बारे में ये पढ़ रहे हैं, तो इन्हें आपकी याद आ रही है. ये भी चीज़ें नज़र आ रही है कि इनलाइटमेंट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ज्ञान, बहुत ज़्यादा इनका जो सोलर प्लेक्सिस चक्रा है, थर्ड आई चक्रा है, थ्रोट चक्रा है, हार्ट चक्रा है, इन सब चक्रास पे इनके वर्क हो रहा है इस वक्त. तो ज़रूरी नहीं है कि आप में से सभी लोग इनकी एनर्जी पिक करें, बट कुछ लोग जो हाईली हाई वाइब्रेशंस में डील कर रहे हैं, पॉसिबल है कि आप इनकी एनर्जी पिक कर पा रहे होंगे. चाहे आप कितने भी बैलेंस्ड हों, समटाइम्स आप इम्बैलेंस हो जा रहे होंगे, समटाइम्स आपके हार्ट में वाइब्रेशन फील हो रही होगी, या हैंड या लेग्स में वाइब्रेशन फील हो रही होगी, या सोलर प्लेक्सस चक्रा आपको ऐसे वाइब्रेट करते हुए आपको फील हो रहा होगा. समटाइम्स आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अचानक से आपको बहुत भारीपन सा लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे आपके सर पे किसी ने कोई बोझ रख दिया है, बहुत हैवी लगेगा आपको, या फिर अचानक से आपको रोना आ सकता है, अचानक से आपके गले में खराश हो सकती है, जबकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुखार नहीं है, सर्दी नहीं है, खांसी नहीं है, बट बोलने में आपको खांसी आ सकती है या खराश जैसी लग सकती है. तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स जो कि टेम्प्रोरी होते हैं, बहुत टेम्प्रोरी, अचानक से एनर्जी का फ्लो आपके स्पाइन में फील होगा, अचानक से पेन हो सकता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा. तो इस तरह की एनर्जी अगर आप फील कर पा रही हैं या कर पा रहे हैं, तो आप समझ लें कि आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि उनके चक्रा जो हील हो रहे हैं या उनके लाइफ में जो अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, उसका एनर्जी आप भी पिक कर सकते हैं. तो ये कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी है. डीएम मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. कई लोग पूछते हैं कि मैम मेरी डीएम फीमेल है, तो बिल्कुल आपकी डीएम फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं. डीएम एनर्जी है, मेल फीमेल नहीं है, ठीक है. सो लेट्स चेक कि अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी ऐसी है, तो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है.
प्लीज गाइड करें एंजल्स. डिवाइन मैस्कुलिन्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा अपनी काउंटर पार्ट की तरफ. मार्च मंथ में बहुत सारे डीएम्स कांटेक्ट में आएंगे, बैलेंस क्रिएट होगा आप दोनों के बीच में, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं. थ्री नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थ्री आवर्स, थ्री डेज या ओवर एंड ऑल मार्च का महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. आपकी अवेकनिंग, आपके पार्टनर की अवेकनिंग, उनकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट हो रहा है. यहाँ से टेम्परेंस की एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है. अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, जगल कर रहे हैं दो सिचुएशंस में, तो इनके सामने कोई सच्चाई आएगी, ट्रूथ आएगा और यहाँ पर बैलेंस क्रिएट होगा उस ट्रूथ को जानने के बाद. बॉटम से वी हैव सॉलिट्यूड एंड वी हैव हारमोनी, तो बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होने वाला है इस अवेकनिंग के बाद. लेकिन आपको कभी भी, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो कभी भी आपको को डिपेंडेंट नहीं रहना है. मैं हमेशा कहती हूँ अपने व्यूवर्स को, नेवर चेज, हमेशा अपने आप पर फोकस करें, अपनी एनर्जी पे फोकस करें, अपने आप में कंप्लीट हों, अपना इनर मैस्कुलिन, अपना इनर फेमिनिन बैलेंस करने की कोशिश करें. जब आप बैलेंस रहेंगे तो आपके पार्टनर भी बैलेंस्ड होंगे, और जब वो बैलेंस्ड होंगे तभी आपकी मर्जिंग पॉसिबल है. तो आपको यहाँ पर चेज नहीं करना है कि मेरा पार्टनर क्या कर रहा है, मेरा पार्टनर कब आएगा, मेरा पार्टनर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो पूरा अपना फोकस उन्हीं को दे के बैठे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. पूरा फोकस अपने ऊपर डाइवर्ट कीजिए, पूरा फोकस आप अपने काम, अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपनी सेल्फ अबंडेंस, अपने लाइफ में अपना इनर मैस्कुलिन और अपना इनर फेमिनिन बैलेंस करें. जब आप खुद में कंप्लीट होंगे और आप कभी उन्हें अपने आप से सेपरेट फील ही नहीं करेंगे, तभी आप बैलेंस कहलाएंगे. अगर अभी भी आपको ये लगता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन अलग हैं, आप डिवाइन फेमिनिन अलग हैं, तो अभी आप बैलेंस्ड नहीं हैं. ठीक है, आपको एक होना है. तो आपको हमेशा ये सोचना है कि आप ही डिवाइन मैस्कुलिन हैं और आप ही डिवाइन फेमिनिन हैं. जब आप इतने बैलेंस्ड हो जाएंगे कि आपको रीयूनियन की कोई वही नहीं होगी कि नहीं मुझे रीयूनियन चाहिए, मुझे शादी करनी है, मुझे कमिटमेंट देना है या कमिटमेंट चाहिए, ये सब नीडीनेस है. नीडीनेस से ऊपर उठिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में नीडीनेस की कोई जगह नहीं है, अगर आप इस जर्नी का पार्ट हैं तो. ठीक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ये अवेकनिंग की जर्नी है. आप दोनों अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए धरती पर जन्म लेते हैं, आप दोनों अवेकन होते हैं. और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम ट्विन फ्लेम जर्नी कैसे पता चलेगी कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हैं. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में साइंस ऑफ ट्विन फ्लेम दिया हुआ है, उस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए. ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको लगेगा कि आपको कुछ अलग से एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी, एक अलग वीडियो बनाऊँगी. ठीक है, लेकिन उस वीडियो में मैंने काफ़ी हद तक क्लैरिटी दी है, ताकि आपको समझ में आए कि आप उस जर्नी का पार्ट हैं या नहीं. ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए थ्री नंबर इंपॉर्टेंट है. विद इन थ्री आवर्स, विद इन थ्री डेज या ओवर एंड ऑल मार्च मंथ में बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स कॉन्टैक्ट में आएंगे. अगर आप ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में हैं तो आपको बैलेंस के साथ चलना है, ताकि सेपरेशन ना हो, कोई ट्रिगर ना मिले, बैलेंस रहिए. सो ये थी आज की रीडिंग, होप आपको गाइडेंस मिली हो. थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय.